नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। लोकतंत्र 2015 लेकर हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम पड़ाव में है, लिहाजा सभी उम्मीदवार और पार्टियां जनता को लुभाने की कवायद में पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं। 5 चरणों में हो रहे चुनाव में दिग्गजों का प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी 2 रैलियां हो रही हैं, तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बांका से प्रचार का बिगुल फूकेंगी। एक तरफ जहां पार्टियां प्रचार में मसरूफ हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी आपत्तिजनक बयानों पर कड़ी नजर रख रहा है। कई नेताओं को आयोग नोटिस भेज चुका है, तो कई नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज हो चुका है। लोकतंत्र में तमाम सियासी खबरों के अलावा हम आपको बिहार की बुनियादी समस्याएं और मुद्दे भी दिखाएंगे, साथ ही नेताओं से होगी 2 टूक बातचीत। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महागठबंधन के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद ने पीएम पर लगाए आरोप, नीतीश कुमार ने एनडीए की नीति, नेता और नीयत पर उठाए सवाल। आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग सख्त, प्रधानमंत्री के मुंगेर रैली के भाषण की होगी जांच, शरद यादव पर भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार के सासाराम और औरंगाबाद में 2 रैलियां, बांका से प्रचार का बिगुल फूकेंगी मायावती। पटना समेत 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर तीसरे दौर के लिए पर्चों की जांच शुरू, उम्मीदवार 12 अक्टूबर तक वापस ले सकेंगे नाम, 28 अक्टूबर को वोटिंग। आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरजेडी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, हालांकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों को लेकर मामला दर्ज हो चुका है। खास तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का कल इस्तेमाल किया, वो सिर्फ लालू प्रसाद जी के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अकलियत सब लोगों के लिए प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला नहीं थम रहा। हालांकि आपत्तिजनक बयानों को लेकर चुनाव आयोग सख्त रुख भी अपना रहा है, वहीं कई नेता चुनाव आयोग की जांच के घेरे में भी हैं। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद नेता एक दूसरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। सारा चीज जो है हमने पार्टी को भी कहा है कि लॉन्च करो इलेक्शन कमीशन को। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर कई आरोप लगाए थे। मुझे शर्म आती है, बोलने से शर्म आती है लालू जी, कभी कैसे मेरे देशवासियों का ऐसा अपमान मत करो, मेरे यदुवंशियों का ऐसा अपमान मत करो। मैं कृष्ण के द्वारका की धरती से आया हूं, मुझे पीड़ा जरा ज्यादा हो रही है आपकी इन बातों से। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की नीति, नियत और नेता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक बार फिर एनडीए से मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछा है। आप प्रधानमंत्री जी एकदम घूम रहे हैं कि दिन में पता नहीं कितना कितना मीटिंग, बिहार में कोई नेता तो है नहीं कि जिसका चेहरा सामने रखे, तो प्रधानमंत्री जी को ही उतार दिया, हमको कोई इतराज नहीं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में बिजली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लालू जी से चर्चा बंद कीजिए, और यदि लालू जी की समझ में ना आ रहा हो तो मैं नीतीश जी और सोनिया जी, जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि वह लालू जी को समझाए ताकि इधर उधर की बातें करना छोड़े और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं चर्चा इस बात पर।
बिहार में हर रोज धुआंधार चुनावी रैलियां हो रही हैं। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। रैली पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है, फिर भी नेता आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंगेर रैली में दिए आपत्तिजनक भाषण की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि वो गुरुवार को मुंगेर में प्रधानमंत्री के दिए भाषण की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने कल मुंगेर, नवादा, बेगूसराय और समस्तीपुर में 4 रैलियों को संबोधित किया था। चुनाव आयोग प्रचार के दौरान नेताओं के आपत्तिजनक बयानों पर कड़ी नजर रख रहा है और यही वजह है कि आपत्तिजनक बयानों को लेकर कई नेताओं को आयोग की जांच का सामना भी करना पड़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बिहार में दर्ज FIR के खिलाफ कल पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से स्थानीय प्रशासन की शिकायत की। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा और स्थानीय प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने महागठबंधन पर भी हमला बोला और MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के अपशब्दों की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने चुनाव आयोग से ओवैसी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील भी की। चारा चोर, जो चोर माने जो कोर्ट ने निर्धारित किया, फैक्ट फैक्ट है, सच सच है, ये सत्य है, कोर्ट का फैसला है और उसका केवल हमारा अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि कोई भयंकर पाप किया, अपराध किया, ऐसा बन के उसके लिए FIR रजिस्टर करना एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष के ऊपर ये बहुत आपत्तिजनक है, गलत है। JDU अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ बिहार शरीफ के बिहार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को उन्होंने श्रम कल्याण केंद्र में एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक भाषण दिया था जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया। पूरे भाषण की वीडियो को देखने के बाद आयोग ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी सीधे जुड़ रहे हैं। प्रणव, प्रचार में आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला जो है वो नहीं थम रहा है। लालू प्रसाद यादव ने PM पर फिर से आपत्तिजनक बयान दिया है। अगर हम ये कहें कि चुनाव आयोग की तमाम सख्ती के बावजूद भी नेता अपने बयान में, अपने भाषण में संयम नहीं बरत रहे हैं, या फिर ये कहें कि उन्हें चुनाव आयोग की सख्ती का कोई असर ही नहीं है उन पर? जी देखिए, बिहार की जो पूरी चुनावी राजनीति है इसमें हाल यही देखने को मिल रहा है कि जो चुनावी मुद्दे हैं उनसे ज्यादा हावी हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, और इन आरोप प्रत्यारोपों में जिस तरह से निजी हमले हो रहे हैं, जिस तरह से तलखियां बढ़ रही है, वो साफ कर रहा है कि अब जो चुनाव प्रचार है वो इस स्तर तक गया है कि एक दूसरे के ऊपर FIR दर्ज करने का एक तरह से सिलसिला चल पड़ा है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ऐसे आपत्तिजनक जो टिप्पणियां हैं जो एक दूसरे पर विरोधी दल के नेता कर रहे हैं उस पर नजर रखने के लिए और सख्त है। जितनी भी चुनावी रैलियां हो रही है वहां पर चुनाव आयोग ने कैमरे लगाए हैं, चुनाव आयोग की टीमें हैं, सर्वर है, और किसी भी तरह के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनने पर तुरंत उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इसको विडंबना कहेंगे कि इसके बाद भी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ज्यादा माइलेज देने की कोशिश हो रही है और चुनावी मुद्दों के बजाय जो आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप है उसके जरिए कहीं ना कहीं चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में है सभी दलों के नेता। प्रणव, सवाल तो आखिरकार यही है कि चुनाव आयोग इतना सख्त है उसके बावजूद भी नेता बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? चुनाव आयोग पूरी गंभीरता रख रहा है, आप कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, हर एक बयान की बारीकी से नजर रख रहा है, लेकिन नेता बावजूद उसके लगातार उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नेताओं को चुनाव आयोग की सख्ती से कोई लेना देना नहीं या उन्हें कोई डर नहीं? दरअसल चुनाव आयोग कभी भी चुनाव के मौके पर ऐसे बयानबाजियां होती है, हालांकि इस बार कुछ ज्यादा ही तल्ख बयानबाजियां हो रही है, लेकिन आमतौर पर इसके हिसाब से और इसके दलील देकर अपने बचाव में किनारा कर लेते हैं जो भी शिकायतें मिलती है उसको देखते हुए। और दूसरी बात ये है कि बिहार में क्योंकि अब मतदान जो पहले दौर का बिल्कुल ठीक है और क्योंकि यहाँ पर जातीय जो समीकरण है उसको लेकर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति जो है उसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसी वजह से सभी दल उसी ट्रेंड पर जो कि हम लोग
पिछले कई चुनावों में तजुर्बा है, जो बिहार के चुनाव के जो आमतौर पर जो उसकी उसकी छवि है वो यही है कि जाति आधार पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं। तो इसी वजह से जो तमाम दल है वो उनका जो फोकस है वो इसी पर है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी अफसोस की बात जरूर है कि जनता के मुद्दे दूर है और जो जातीय समीकरण और ध्रुवीकरण है उस पर ज्यादा हावी है सभी दल। बिल्कुल प्रणव, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि जातवाद की राजनीति और एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के की वजह से, या कह सकते हैं कि उसके चक्कर में जो नेता हैं वो असल मुद्दों से भटक रहे हैं और जो जमीनी मुद्दे हैं जिन पर जनता चाहती है कि इस पर बातचीत हो, नेता अपने विचार रखें, वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। जी हाँ, और ये सबसे ज्यादा निराश जो बिहार की जनता है, बिहार के वोटर्स हैं, वो खुद को इस वक्त कहाँ पाते हैं ये उनको अभी तक ये अंदाजा नहीं। उसकी वजह ये है कि जितनी भी शिकायत हुई है बुनियादी विकास से जुड़ी हुई, जितने भी काम अधूरे पड़े हुए हैं बिहार में, तमाम ऐसे मुद्दे जनता से जुड़े हुए, सिंचाई व्यवस्था ठप है, बेरोजगारी है, उद्योग धंधे नहीं पनपे हैं, सड़कें बिजली पानी की स्थिति दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पिछड़े इलाके हैं ज्यादातर जिले, लेकिन इसके बाद भी हर चुनाव में जातीय गोलबंदी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही वजह है कि जो जनता है वो एक बार फिर ऐसे बयानबाजियों से, ऐसी रैलियों से बेहद निराश दिखाई देती है। शुक्रिया प्रणव फिलहाल इस बातचीत के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी संपर्क करेंगे। इधर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार आज दूसरे दिन भी जारी है। सासाराम में इस वक्त वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर उनके साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी समेत एनडीए के घटक दलों के कई नेता मौजूद हैं। सासाराम की रैली में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से विकास के मुद्दे पर जोर दिया है और कहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। सासाराम के बाद वो औरंगाबाद में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। बिहार के नवादा में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर गरीबी से लड़ें। प्रधानमंत्री ने राजनेताओं की ओर से दिए जा रहे भड़काने वाले बयानों से बचने की सलाह दी। पीएम के इस बयान को दादरी घटना पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। क्या हिंदुओं ने मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? मुसलमान तय कर ले कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी आज बिहार में प्रचार का आगाज करेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज दो रैलियां करेंगी। पहली रैली बांका और दूसरी रैली औरंगाबाद में होगी। मायावती 6 दिनों में 12 रैलियां करेंगी। बीएसपी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नक्सल समस्या से जूझता औरंगाबाद। Today we bring to you the Negotiable Instruments Amendment Second Ordinance 2015. I think the ordinance in itself has created or made it much more easier for the individual borrowers to go and file a case wherever this is happening. This has provided an immediate relief to all those small borrowers and the small businessmen. Whenever we are working with fund houses and they have been lending money, there are multiple check bouncing cases which we are facing on a daily basis. Watch Law of the Land, Sunday 10 p.m. and Monday 8:30 a.m. on Rajya Sabha Television.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा, जबकि 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं। राजधानी पटना और आसपास के जिलों की इन सीटों पर सबकी नजरें टिकी हैं। सबसे ज्यादा पटना की 14, सारण की 10, वैशाली की 8 और नालंदा की 7 सीटों पर मतदान है, जबकि सबसे कम बक्सर की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस दौर में 8 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तीसरे दौर के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग है, जबकि 16 अक्टूबर को दूसरे और 12 अक्टूबर को पहले दौर के लिए वोटिंग होनी है। एक दौर में मजबूत वामपंथी पार्टियों के लिए बिहार में लगातार हालात जो है वो बदतर होते चले गए। मौजूदा चुनाव में पहली बार 6 वामपंथी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में क्या है उनकी रणनीति और बिहार से उनको कितनी है उम्मीद, ये एक बड़ा सवाल है। राज्यसभा टीवी ने सीपीआई के महासचिव एस सुधाकर रेड्डी से खास बातचीत की। वाम दल के हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव सुधाकर रेड्डी जी हैं। किस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारा स्ट्रेटेजी है एक वैकल्पिक पॉलिसी से बिहार असेंबली में वामपंथी पार्टियों का एक स्ट्रांग लेफ्ट कंटिंजेंट को जिता के बिहार का नीति बदलने के लिए कोशिश कर। क्या ये जो पार्टियां जिनके साथ आप हमेशा से रहे हैं, UPA 1 में आपने UPA 1 का आपने साथ दिया, उसके बाद आप नीतीश के साथ भी रहे, लालू के साथ भी रहे, तो क्या ये आपको डैमेज करने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं, या फिर आप मजबूती से न लड़ सकें ये एक कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपके साथ अलायंस नहीं हो पाया उनका? हमारा साथ अलायंस करने का बारे में वो लोग कभी कोशिश भी नहीं किया और वामपंथी पार्टियों को इसके साथ इंटरेस्ट भी नहीं था। ये बार पहले से CPI, CPM, माले, ये सब पार्टियां अलग अलग चर्चा करके एक निर्णय लिया। ये बार वैकल्पिक पॉलिसी से वामपंथी का एक अल्टरनेटिव फ्रंट, एक लेफ्ट ब्लॉक से कंटेस्ट करने का जरूरत है। कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि आमतौर पे होना नहीं चाहिए, आप इसको सही मानते हैं राजनीति में इस तरीके की भाषा का प्रयोग, चाहे कोई भी कर रहा हो, किसी भी दल की तरफ से हो रहा हो? ये बहुत गलत है और बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टी से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और दूसरा तरफ से वो लोग भी क्लैरिटी नहीं बोलते ये रिजर्वेशंस का बारे में। मोहन भागवत RSS इसका मार्गदर्शक है, बार बार ये लोग बोल रहे स्वयं सेवक है, पहले स्वयं सेवक है, बाद में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर। इस विधानसभा चुनाव में 2015 में CPI अपने आप को रिजल्ट के बाद कहाँ पा रही है, कहाँ देख रही है अपने आप को? वामपंथी पार्टियों ने लेफ्ट ब्लॉक, एक स्ट्रांग लेफ्ट ब्लॉक से बिहार का राजनीति बदलने के लिए, बिहार का विकास के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए वामपंथी पार्टियों का स्ट्रांग लेफ्ट ब्लॉक के लिए CPI कोशिश कर रहा है। बिहार का औरंगाबाद जिला पिछले कई सालों से नक्सल की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इस समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकला। यहां रहने वाले लोग विकास की ललक तो रखते हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित होने की वजह से उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है। औरंगाबाद से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार का औरंगाबाद जिला नक्सल पीड़ित है, जिसके चलते ये इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ के लोग विकास की बजाय नक्सली समस्या से निजात को प्राथमिकता देते हैं। आने वाला समय में इसको तो सुधार करना बहुत जरूरी है, चाहे प्यार से हो, चाहे प्रशासनिक ढंग से हो, या शैक्षणिक ढंग से हो, सामाजिक ढंग से हो, इसको सुधार करना निहायत जरूरी है, तभी हम विकास की बात कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं कि औरंगाबाद जिले में नक्सल सबसे बड़ी समस्या है और इसे खत्म करना बेहद जरूरी है। नेता मानते हैं कि समस्या को दूर करना है तो सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। सबसे पहले तो है कि जो उनके जो बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी जो उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन यापन के लिए उनके पास साधन होगा तो वो इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। कुछ वर्गों का, कुछ लोगों का एक गिरोह है और हम उस पर अंकुश लगाएंगे। किस तरह से?
विकास करके। नक्सल प्रभावित होने की वजह से जिले में मतदान कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि स्थानीय प्रशासन दावा कर रहा है कि ऐसी किसी समस्या से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। Look, we have identified the areas which are prone to Naxal infestation and we already have the central paramilitary forces. They have already started the area domination confidence building measures. So we are fully prepared for free and peaceful elections. औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। दूसरे चरण यानी 16 अक्टूबर को यहां मतदान होना है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया है। जहां प्रशासन भयमुक्त और स्वतंत्र चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है, वहीं चुनी हुई सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी साथ ही चुनौती भी होगी कि कैसे इस इलाके को नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त कराया जाए। औरंगाबाद से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की, जहां कोशी नदी के प्रकोप के पीड़ितों की सुध लेने वाला कोई नहीं। कोसी के कटाव से बचने के लिए राज्य सरकार कागजों पर तो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सच बयां कर रही है। मधेपुरा के मुराद गांव से ये रिपोर्ट देखिए। कोशी नदी के दंश को समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई इसके जद में आ जाए तो फिर बच नहीं पाता। स्कूलों की इमारतें, मंदिर, आशियाना या तो वीरान पड़े हैं या फिर उनका नामो निशान मिट गया, और शायद यही वो वजह है जिसके चलते कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोशी की मार झेल रहे मुराद गांव की आबादी कभी 5,000 थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि मंदिर, स्कूल, आशियाने के साथ गांव की खेती की जमीन भी इसकी भेंट चढ़ गई। गांव वाले दर दर भटक रहे हैं। कोई सड़क के किनारे रह रहा है तो किसी के पास रहने के लिए सड़क का किनारा भी नहीं बचा है। कटने के बावजूद भी, कहने के बावजूद भी हम लोग निहाय होकर के, निसंग होकर के, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। दीजिए हमको वोट, हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। अपना पूंजी मत करता है, गरीब लोग को देखता नहीं है एकदम न कोई न। और सरकार ताकत है चटनी पर, वोट देकर जिताए देवे, बड़का टाके हो जीते। कोशी नदी के पीड़ितों का दर्द तब सुर्खियों में आता है जब चुनाव नजदीक होता है। इस बार फिर चुनाव है, लिहाजा एक बार फिर इनकी सुध लेने का दावा किया जा रहा है। पिछले कई सालों से कोशी के नाम पर करोड़ों रुपए आवंटित होते आए हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। नदी में बुरा है, कुछ देते हैं खाली जिताए जाए वोट से, नहीं देते कुछ। आलमनगर के मुरौत और चौसा के फुलौत और अन्य कई गांव लगातार कोसी कटाव से वहां के लोग विस्थापित होते रहे हैं। करोड़ों रुपया की लूट उस योजना के तहत हो चुका है। कहां गया पैसा, कौन लूट ले गया पैसा, ये पता नहीं चल रहा है और न इसकी कोई जांच हो रही है। मुरौत के अलावा बड़ीखाल, फुलौत पंचायत के कई और गाँव भी कोशी नदी के कटाव से प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के वैशाली को लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, लेकिन आजादी के करीब 7 दशक के बाद भी जिले की समस्याएं जस की तस हैं। विधानसभा चुनाव में अब यहां के लोग सरकार पर इस क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं। राजधानी पटना से नजदीक होने के बावजूद वैशाली उपेक्षित नजर आता है। चुनाव दर चुनाव बीते, लेकिन वैशाली हमेशा की तरह बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे से ही दो चार है। यहाँ पर जो भी लोग आए हैं, ना ही उन्होंने आज तक शिक्षा को सुधार करने की कोशिश की। टूरिस्ट के लिए हॉस्पिटल्स जो कि बेसिक चीजें हैं वो नहीं है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन के रूप में सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है। बिहार के वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 3 और जेडीयू के 5 विधायक चुनाव जीते थे। क्षेत्र में जो काम होना चाहिए जनता के साथ, जनता के विकास का काम, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के अवसर पैदा करने के क्षेत्र में, किसान के, खेती के क्षेत्र में, वैसा कोई काम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे आज तक नहीं किए।
यहाँ की महुआ और राघोपुर सीट पर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद पर्यटकों के लिहाज से यहाँ कभी खास विकास नहीं किया गया। टूरिस्ट आते हैं, पटना में रुकते हैं, गया में रुकते हैं, ठहराव यहाँ है नहीं। सरकार के आज तक केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ध्यान इस वैशाली पे है ये नहीं है किसी के पास। वैशाली जिले में करीब 20 लाख मतदाता है। विधानसभा सीट पर तीसरे चरण के तहत 28 अक्टूबर को मतदान होना है। रविंद्र सिंह चौराण, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।